दोबारा बता दूं, अभी तक हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ लिया है। अब हम जो जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने, जिसमें हमें कहता है, ये रहा आपकी बुक में, पुट दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी, और पेज नंबर 3 ही पर ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। डिसेंडिंग ऑर्डर, पुट दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे उससे पहले हमें क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर, अब क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हमें डाउनवर्ड आते हैं। क्या आते हैं हम डाउनवर्ड। सपोज ये मैंने लैडर स्टेयर बनाई थी आपके लिए, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या बनाई थी मैंने, आपको इस तरह से डिफाइन किया था 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यू हम डाउनवर्ड आएंगे। सपोज 10, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर 7 6 5, फर्दर 4 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी कि हमें रिवर्स जाना होगा, असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें लार्ज नंबर को लिखना होगा। सपोज हमें क्या लिखेंगे, हम पहले 10, फिर हम क्या लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 7 6 5 4, इस तरह से हम अपने नंबर को डिफाइन करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट को हम करते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, इस सवाल को आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पुट दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, कि हमें कहाँ आना पड़ेगा, डाउनवर्ड, रिवर्स में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, रिवर्स में। पार्ट नंबर ए आपके पास कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, 66 14 41 63 68 एंड 37। सबसे पहले आपको रिवर्स करना है। पहले हम स्मॉल नंबर लेते थे, फिर लार्ज, फिर लार्ज, फिर लार्ज, फिर लार्ज जाते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले अपने आंसर में, सबसे पहले अपने इस बॉक्स में लार्ज नंबर देखेंगे। लार्ज नंबर हमारे पास एक सर्कल में कौन सा है, 68। उसके बाद हमारे पास इससे स्मॉल नंबर कौन सा आता है, 66। इसके बाद स्मॉल नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, 63। इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास नंबर कौन सा होगा, 41। और फिर हम देखते हैं इन दो नंबर में कौन से नंबर हैं हमारे पास, 37, और लास्ट में हमारे पास 14। तो पता क्या चला हमारे, कि हमने पहले लार्ज नंबर लिया, फिर स्मॉल लिया, फर्दर स्मॉल लिया, और फर्दर स्मॉल लिया, और फर्दर स्मॉल लिया, और बिल्कुल हमने स्मॉल ले लिया नंबर। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को यहाँ पे किया, कि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखना था, पहले लार्ज, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, और फिर आखिरी में सबसे ज़्यादा जो स्मॉल नंबर है उसको हमने लिख लिया। इसके पार्ट नंबर बी की जानिब अगर हम बढ़ते हैं, तो पार्ट नंबर बी भी इसी तरह से है आपके लिए। मैं आसानी कर देता हूँ, 2 58 77 100 49 एंड 99। जी जनाब बताइए आंसर मेरे पास। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, लार्ज नंबर पहले आएगा। लार्ज नंबर का मतलब क्या है, इसमें अंदर सबसे पहले 99 आता है, 100 आता है, कौन सा सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर 100, यस। उसके बाद 99 99, उसके बाद 77 77, उसके बाद हमारे पास आएगा 58, यस गुड, फिर 49, और आखिर में
ये बेचारा टू बचा है मेरे पास, को मैंने बोला आओ, आ गए यहाँ पे शराफत के साथ। जी अब तक कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको? इसमें मैंने क्या किया दोबारा बता दूं, लार्ज स्मॉल फिर स्मॉल फिर स्मॉल और उसके बाद फर्दर स्मॉल और बिल्कुल मैंने स्मॉल लिख दिया, ठीक है। ये मैंने डिफाइन किया डिसेंडिंग ऑर्डर को। पार्ट नंबर बी हमने यहाँ पे कर लिया, अब पार्ट नंबर सी की जानिब हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर सी को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन करना है। पार्ट नंबर सी ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कहता है हमारे पास 85, 17, 49, 82, 6 एंड 32। जस्ट मेरे पास क्विकली जवाब दीजिए आप, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा मेरे पास? जी जनाब लार्जेस्ट नंबर है इसमें 85, गुड। 82 नेक्स्ट नंबर हमारे पास स्मॉल, फिर इससे स्मॉल कौन सा आएगा? 49, गुड बेटा। उसके बाद 32, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 17, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 6। मैं ज़रा सा फास्ट गया हूँ इस सवाल में, मैं दोबारा से आपको भी बता दूँ बहुत स्लो मोशन में। सबसे पहले आएगा 85, फिर आएगा हमारे पास 82, फिर हमारे पास क्या आएगा? 49, फिर हमारे पास क्या आएगा? 32, फिर क्या आएगा हमारे पास? 17, फिर क्या आएगा? 6। इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हमने लिखे हैं ऐसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में? दोबारा बताऊं, लार्जेस्ट नंबर और आखिर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा। पार्ट नंबर डी इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको हम डिस्कस करते हैं और अपने लेक्चर को यहाँ पे फिर एंड करेंगे। पार्ट नंबर डी ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कहता है जी इस सवाल को तो आप कर लीजिएगा आखिर आज, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले, मैं करता हूँ या आप करते हैं? मैं करूँ? ज़रूर मैं करता हूँ। जस्ट जी लार्जेस्ट नंबर 99, देन 98, देन 93, देन 92, देन 69 एंड द लास्ट नंबर इज योर 39। तो हमने इसको किस में लिख लिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ तक हमने अपने लेक्चर को एंड किया है आज। आज हमने पेज नंबर 3 को डिस्कस किया है आपके साथ, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है। इसमें आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए और स्कूल आके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, पेज नंबर 4 को हम देखेंगे। इसमें पेज नंबर 6 हमारे पास प्लेस है और कहता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको हम फिलहाल याद रखते हैं इस लेक्चर को। मिलते हैं इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।